सबका भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद। और आप देख रहे हैं न्यूज़ 2 के लिए, इसमें मौजूद हम गांव अनूपगढ़ में, जो कि लगभग चीन से रोहतक रोड की तरफ जाते हुए 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहां पर जो दिल्ली कूच का जो किसान आंदोलन चला हुआ है, पहुंचने के लिए दिल्ली कूच के लिए किसान लगातार हर रोज जो जा रहे हैं, और यहाँ पर जो है बहुत सारे किसान जो है खड़े हैं और दिल्ली कूच का प्रोग्राम में है, अभी निकलने वाले हैं। तो अभी हम उनसे बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं किसान, उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। राम राम जी। राम राम सारे चैनल लड़ाना। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, बुद्धि खट जिंदाबाद, बुद्धि खट जिंदाबाद। ये बताइए कि ये जो संगठन है या कोई खाप है या मिक्स है जो यहाँ पर मौजूद है? इसमें कुछ संगठन भी है, सरो खाप दल है सारे हरियाणा की, कम से कम 30-40 ट्रैक्टर तो गांव बड़ौदा से है, बाकी दलियाला ददवान 50-60 ट्रैक्टर कैबिला चले हैं। कल शाम को मीटिंग हुई थी सारी कापों की, इतने हटाना रोड इतनी खाप आएगी, तो इतना सरकार उतना नहीं देखा कि नहीं, इतना सरो सहल खाप की हो भाई, इतना वापस नहीं आना उठता, जहाँ हमने मरकर पैसे खाए जहाँ दिन नहीं आवा उठता। लगभग 3 दिन पहले काफी जो किसान वहाँ पर जाते, आप इतने लेट नहीं हो? लेट तो ये मैं मान जे मीटिंग जो पास के करो, बार-बार कह दे रहे थे, हमारा सोच तो कर रहे थे, हमें इतना हम छापा क्यों, ये जलियांवाला बाग नहीं होगा। जिस प्रकार से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान आता है, हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर जी का बयान आता है कि किसानों के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, इनका बयान तो हमें तगड़ी थी, इनका बयान तो मैं 5 किलो जमींदार हूँ, मेरे 2 लाख का कर्जा था, मेरे 15 लाख का कर्जा दिया 2 साल के भीतर, इन्हें इतने जाते हो इन्हें तो पूछा ना, तेल पर ऊपर ले जान लग रहे हैं, खाद ना ऊपर ले जान लग रहे हैं, सारा सौदा करतू कर दिया, इन्हें तो पूछेगा कहन कहन पर कहेगा, तो ये भी दिया हमें किसान समृद्ध में कहे कि अपना खुआएगा तो खड़े हो मारे। तो कितने ट्रैक्टर लिया जो है आज दिल्ली के? ट्रैक्टर 100 के नजदीक ट्रैक्टर ट्रैक्टर लिया, सारे चैल खाप की तरफ था, जितने भी आगे आ रहा है या उड़ा या कौन उनको जा रहा है, कौन उनका जा रहा है, और ट्रैलियों के आसपास है। तो राशन कितने दिन का? राशन भी तो तरीका चल रहा यार, फिर थोड़ा सा राशन भी 20 क्विंटल दूध लेके चल रहे हैं, आटा चीनी दाल मतलब जो के लिए ट्रैक्टर पर आया, एक पछाण लग रहा है, राशन की कोई कमी नहीं, छोड़ कुछ कोई कमी नहीं, राशन इतना इनका नहीं समझेगा, इतना महीने पिटो के छोटा बस जमींदार सारा गांव में इतना क्रोध हो रहा, 36 जात के कल्ला जमींदार के नहीं, मजदूर भी लोई दिए, नाड़ती भी लोई दिए, अरे इनको मेरा कौन ये सवाल ले रहा है, ये तो बस गाड़ियां में बैठ के मारे बिना के ले गए, ये तो हेलीकॉप्टर में बस उठ गयो, कुछ दिन में इनका गोला बवाना बंद कर दिया। हम इस तरह से किसान ज्यादा से ज्यादा वहाँ पर इकट्ठे हो रहे, उसी प्रकार सरकार जो है वहाँ पर सैनिकों की काफी भीड़ खड़ी कर दी है, और अगर वहाँ पर कोई भी शक्ति बढ़ती गई तो उसका जो है जिस तरह से जो है सैनिक है वो सरकार की मानते हैं, अगर सरकार के दबाव में उन्होंने लाठीचार्ज या चलो 2000 मार देंगे, 10000 मार देंगे, 20000 मार देंगे, हमें उनमें फिर भी नहीं हाथ उठाना चाह रहे, मार देंगे जितने उनका फर्ज करेंगे उसका फर्ज तो पाँच चला दिया, हमें 1000 मार देंगे, 10000 मार देंगे, कम से कम 20 करोड़ आदमी 2 दिन को रोटी सोचेगा, ये आज ये तो आज लोग नहीं सोच रहे, पर रुक जाए आप ये देख जी बगे दशक में जीरे का क्या भाव होता है, जो सरकारी कर्मचारी दूंगी कितनी तनख्वाह दी, आज कितनी तनख्वाह कितनी गुणी बढ़ी, अन्न क्या भाव था वो कितना कितने परसेंट बढ़ा, मजदूरी कितनी थी 90 दशक में, आज मजदूरी कहाँ है 250 गुणी 100 गुणी, किसान का सिर्फ 25% ही फसल मतलब भाव बढ़ा है, और चीज़ 100 गुणी, तेल 100 गुणा, हर चीज़ 100 गुणी, किसान का बंसीलाल के टाइम में 2200 जीरी पे कह दी गिल्ली भी गई हुई फल्ड की, और आज भी 2200 पे कहें, 97 में सरकार की बंसीलाल की, तो आज भी 2200, उस दिन भी 2200, इन इतने साल में 25 साल के दौरान अगर 2200 का बाप 25 साल पहले तक 2500 तो अभी हमारे साथ जुड़े हैं करण सिंह पहलवान, उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर आज दिल्ली कूच के लिए निकले हैं चैल खाप के साथ, और सर्व समाज की जो है कि खाप है,
और आज निकलते हैं तो जिस तरह से जेपी दलाल जी ने किसानों को खालिस्तानी कहा है, आतंकवादी बोला है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भाई साहब जी, वो मानने हैं नहीं, अगर हमारी सच्ची लड़ाई लड़ा, हमारी सच्ची लड़ाई ने यूँ नाम देवे हैं नहीं तो हम खालिस्तानी। हाँ, मारा खेतर हमने खालिस्तानी कहो, आतंकवादी कहो, काम लेकर वहाँ तो जिस प्रकार वहाँ पर प्रोडक्शन भी लगा देगी और बार बार बयानबाजियाँ भी हो रही है, जो पार्टी लीडर है सत्ता में बैठे हैं, जो सरकार कोई भी गलत नहीं कर रही किसानों के साथ, उसके बावजूद भी वहाँ तो लगातार ठंड भी बढ़ रही है और लगातार वापस काम भी करते हो रहे हैं। सब अगर गलत नहीं कर रही है तो फिर किसान पागल थोड़े हैं जी? हमने जिस चीज़ की जरूरत नहीं तो हमारे पे धक्का क्यों थोपन लाग रहे हैं? हम इस चीज़ ने लेंदे ही नहीं, हमारी चीज़ हम क्यों करे बेचा? तो जी हम मांगते ही नहीं सरकार पे, यू अद्या देश है ना, हमने मांगा ना किसी से सलाह ली किसाना थे ना को पहले मीटिंग करी, धक्का तो थोप रखे। तो इस प्रकार वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, लगातार ठंड भी बढ़ रही है, वहाँ पर किस प्रकार का प्रोटेक्शन भाई साहब? सारा साधो सामान साथ में है, शोर कुदड़ा खाने का पीने का सब सौदा साथ में लेकर चल रहे हैं। चार में निगली सेल्फ कंटेन है। तो किस तरह से आज सेल का आप जो है वो निकली है, तो उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम है। हाँ बिल्कुल भाई साहब, तो दिन प्रतिदिन आन लाग रही है सारी साथ में। हाँ, परसों चौथा जाट धर्मशाला में थी मीटिंग, 40 खापन थोड़ा समर्थन कराया था, दिन प्रतिदिन एक एक दो दो खाप निकलने लग रही है। तो वहाँ पर बड़ा काम होता है हमारा, ठीक है नहीं? सामान और देख ले भाई, मेरे भाई। तो अभी हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप गाड़ी के अंदर जो है सब्जियाँ भरी हुई है वहाँ पर जाने के लिए। तो पूरी तैयारी के साथ जो है किसान यहाँ से निकलेंगे और देख सकते हैं बहुत जो सामान है गाड़ी के अंदर, ट्रालियों के अंदर, पूरी जो अपने लगभग 4 से 6 महीने की जो है डाइट लेके चले हैं। तो भाई अगर जो है सर, अगर सरकार इसके बावजूद भी जो कानून नहीं रद्द करती, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को पूरे चहल खास की तरफ से, मेरी तरफ से सबको नमस्कार। और आप क्या समझ गया सर, जिस प्रकार पंजाब से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और हरियाणा कम देखे गए हैं किसान जो है दिल्ली कुछ के अदरक ले ले, वो तो इस टाइम पे हरियाणा में भी ये कोई बात नहीं, हरियाणा से भी पूरे किसान बिल्कुल हर तरह से पूरे सम्मान के साथ और पूरे सहयोग के साथ साथ हरियाणा पंजाब का कोई नहीं है, सब किसानों का है। और आज चहल खाप के भी कम से कम सैकड़ों ट्रैक्टर हैं और छोटी गाड़ियां भी हैं, जिसमें हमारे जींद जिले के सभी चहल गाँव के सभी गाँवों से सरो जातीय चहल खाप का पूरा समर्थन है। तो अगर सरकार इसके बावजूद भी इतनी जनसंख्या दिल्ली के अंदर इकट्ठी हुई है, इसके बावजूद भी अगर सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती तो आगे क्या रणनीति रहेगी? रणनीति तो जो कमेटी बनाई है उसके अनुसार ही चलेंगे हम भी। और सरकार को एक बात बिल्कुल गौर से सोचनी पड़ेगी, सरकार में अपने को घुटने टेकने पड़ेंगे और ये लेना पड़ेगा। ये जो भी किसान लगे हुए हैं बिल्कुल तन मन धन से उनका आर पार की लड़ाई में ही एकजुटता हूँ। बहुत से किसान जो है घर पे बैठे हुए हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं जो किसान घर पे बैठे हैं सभी से एक ही बात कहूँगा कि आप जिस भी ढंग से सहयोग कर सकें, अगर बैठे भी सोशल मीडिया के ढंग से एक पॉजिटिव सोच के साथ सरकार के ऊपर जिस भी ढंग से करेंगे, नेताजी सरकार को झुकाने के लिए हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। जितेंद्र चाल जितेंद्र बताए करा रहे हैं देखिए, ये तो एक सरकार की तोड़ने की नीति है, क्योंकि सरकार को चाहिए कोई ना कोई एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिससे लोग विरोध करें, जैसे जाति पाति मिला जला या किस टाइप का सिस्टम करना, वो जैसे वोटों के टाइम पे होता है, इलेक्शन के टाइम पे होता है, यही चाहते हैं।
ताकि किसानों से बात की, उन्होंने अधिकार है कर देगा वहाँ पर जान ही क्यों ना निकल जाए पूरा, और पूरे हौसले के साथ जो है निकले लगातार हर रोज जो है किसान यहाँ से निकलते हैं, अभी भारी संख्या में निकलते हैं। यशवंत मेला के साथ।